Where's Vicky? Vicky? Where is first boyfriend? Excuse me. ये तो सब ये सब बाद में करेंगे। वो सभी फोटो नया पोज तो मेरा दुपट्टा खींच। अरे दो हो रहा है, आप हाइट हाइट ऊपर लो। क्या हो रहा है भी बता दो पति जी, पति जी ऐसा हो गया जैसे सार्वजनिक पति हो गया। सामने देखना है, सामने रहना है आपका। गाइस रेडी हाय सना भाई, एक रुक जाना, एक रुकने से क्या होता है, जल्दी करना फटाफट। 3 बजे का टाइमिंग है। अरे तो क्या 2 मिनट रुको सुजीत के लिए, 2 मिनट रुको भाई रुको। आप आ रहे क्या नहीं उधर सुजीत कर, चलो मिनट भाई रुको 1 मिनट, हम सुजीत के लिए रुक रहे हैं। अरे मिली के लेट कर दिया यार, चला गया। अरे वो सनम भाई है, तुम ऊपर में ना सनम भाई क्या ट्रेन इस पे है ना, इतना तो बाद में तुम निकाल दो। अरे आ रहा पूरा भाई, मेरे इसमें आ रहा है, वो आ रहा है। अरे दो प्रेम में भाई, सोलो प्रेम। अरे गाइस पॉइंट यार पॉइंट, अरे जितना चिल्लाओगे ना कुछ नहीं होने वाला। 2 मिनट यार ऐसा गदर मत करो आप ना, पीछे जाके थोड़ा ऊपर करके कैमरा देखो। तुम लोग कैसे सारे स्टारों के पीछे भागते हो और हम दोनों तुम्हारे पीछे भाग के आए यहाँ पर। बहुत बुरा लगता जब तुम लोग कहते हो मैडम बैठ दे दो, बैठ दे दो, बैठ दे दो, अच्छा नहीं लगता। मैं कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ मीडिया की, ये मेरी साड़ी क्यों उतर रही है बार बार, देखो बार बार उतर रही है यार। आराम से डोंट वरी, हम यहाँ हनीमून मना के जाएंगे, चिंता ना करो। आप वहाँ पे क्यों, आप उधर जाओ, उस तरफ चले जाओ, अंदर चले जाओ। देवेंद्र जी चले जाओ उधर, मैं अच्छी लग रही हूँ। लाए वाह, हाँ मैं लगा हूँ तुम्हें। कौन नहीं जाने दे रहा तुम्हें, तुम्हारा जाने का समय हो चुका है। सबको बाइट देना लेकिन लव बाइट सिर्फ मुझे ही देना। कहाँ कहाँ सबके सामने नहीं घोषित करूंगा मैं। ओके राज को राजी रहने दूंगा। सुने चंपा सुने तारा कोई जीता।
चलो दरवाजा लॉक कर दो भाई, रवि दरवाजा लॉक कर दो, आप अंदर आ जाओ। चलो चलो माय गॉड, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक अभी शादी नहीं हुई मेरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो इतनी ये है, जिस दिन मेरी लाइव सुहागरात होगी उस दिन क्या करोगे तुम लोग? हैं? बॉलीवुड में ऐसे फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। तुम लोग ऐसे मेरी हमारी लाइव सुहागरात होगी, तुम लोग ऐसे अगर आवाज करोगे तो इसका कुछ नहीं होने वाला फिर। हाँ अगर तुमने मेरा साइड से प्रोफाइल लिया, मैं तुम्हारी इनसे ऐसे टुकाई करवाऊंगी, तुम्हें याद रखना देवेंद्र। मेरा साइड प्रोफाइल अच्छा नहीं आता है। बाद में भी तो कर लेंगे। हाँ हाँ बाद में कर लेंगे, मैंने कौन सा अभी डिलीवरी करने जाना है। तुमको जो बोलना है तुम, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, आप मेरे शब्द में अच्छे रहो, मैं आपके भाइयों और बहनों के टको, शांत रखो, शांति रखो, मैं भूल जाती हूँ। सो राखी और दीपक, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? धन्यवाद। एक मिनट, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जब तक सर पे पल्लू ना ले लू मैं बात नहीं करती, ऐसा मत करो मेरे साथ कुछ भी है। मैं एक चमक छल्लू मत लगाओ वो पल्लू प्लीज। क्या कर रहा है यार तू बेबी? वैसे भी हमारी शादी तो न्यूड होने वाली है, भारत में हूँ, जब तक भारतीय नारी तो बन के रहने दो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से अपने आप को पल्लू में ढको डार्लिंग, तुम एक राखी सावंत हो। तो राखी सावंत कौन सी नंगी घूमती है, क्या बात करते हो, पति हो के पतीला कैसे बात करते हो, अपनी बीवी की इज्जत करो थोड़ी, होने वाली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए। देखिए क्या है ना कि हमने देखा है पिछले 15-20 दिन से कि आप सब सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं, हमें फोटो दे दो, हमें बाइट दे दो, लेकिन सेलिब्रिटीज आपको भाव नहीं देते। लेकिन तो फिर हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम आपके सामने आके आपको भाव दे, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं और हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। मैं तो, आपने तो मुझे हमेशा बोलते हुए देखा है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे वुड भी आपसे बात करें और जब आप हमारे लफड़े के बारे में बताएं। डेफिनेटली आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप क्या कुछ बोलना चाहते हो। जब बीवी हो राखी सावंत जैसी तो दीपक कलाल बोलना नहीं, कुछ कुछ करना चाहेगा, क्योंकि राखी बहुत हॉट है। और जब मैं उसको पहले टीवी पे देखता था, उसके आइटम सॉन्ग्स देखता था, तो कभी सोचा भी नहीं था कि राखी जो है वो मेरी हमसफर बनेगी। और जब ये मेरे आइटम सॉन्ग्स देखते थे तब इनके खड़े हो जाते थे रोंगटे पागल। राइट राइट, हाँ, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत हॉट एंड वाइल्ड रहा हूँ, तो जब राखी को मेरे मर्दांगी का एहसास हुआ। हाँ। भाई आप लोग चुप हो गए? अरे वो फ्रेम में आ रहे हैं। भाई मैनेज कर लो ना यार, कर लो इसे यार, आगे लेना पड़ेगा यार आप लोग।
उतना आगे लो। क्वाइट प्लीज यार, क्वाइट। प्रेम एक बार सबको जगह दे दो यार। दोस्तों दुल्हन की इज्जत करो थोड़ी, दुल्हन की थोड़ी इज्जत तो करो है। राखी प्लीज तुम थोड़ा ढक लोगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत हॉनी फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत उफान आ रहा है मेरे जवानी। तुम्हारी नहीं दिख रहे तो मेरा तो दिखने दो। ओके ठीक है। देखो तुम मेरे बिजनेस, मेरी दुकान बंद करने की कोशिश ना करो। डेफिनेटली। अच्छा इसके अलावा शादी करने वाले आप लोग, वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाया था, उसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। हाँ हाँ जरा बताओ, इन्होंने करवाया था जसलोक हॉस्पिटल, मतलब इसका भी मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाया, और तुम्हें पता है मतलब आप सोच के पूरे दंग रह जाओगे कि वो वर्जिनिटी टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे दिए डॉक्टर को? नहीं आई मीन नहीं मजाक का, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी राखी बहुत बड़बोली है, बातें तो ढेर सारी करती है, लेकिन रियलिटी में वो वर्जिन है, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में कहा था, बोलो आगे और पीछे। हाँ दो हमने टेस्ट करवाई आगे पीछे, अभी कल हम लोग ऊपर नीचे की भी करवाने वाले हैं, तो दोनों टेस्ट में राखी जो है वो वर्जिन साबित हुई है, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो दुल्हनियाँ मिल रही हैं वो पूरी तरह से वर्जिन है, क्योंकि इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसका जो शरीर है वो मंदिर है, और मैं पहला पुजारी हूँ जो इस मंदिर की टन टनाटन घंटियाँ बजाने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। हाँ हाँ जब मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक भारतीय लड़की के साथ जब इन्होंने मुझे शादी का प्रपोज किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एक शर्त पर कि पहले जसलोक हॉस्पिटल में वो मेरी वर्जिनिटी जो है वो टेस्ट करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो खुद ही पवित्र हूँ, आप करवा लो, तो चलो मैं तो उसमें पास हो गई, लेकिन मैं कहाँ से पीछे रहने वाली थी। मैंने कहा आपने तो मेरा वर्जिनिटी टेस्ट करवा लिया, उसमें मैं पास भी हो गई, लेकिन आपको भी करवानी पड़ेगी। मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाई आगे से, इसने कहा कि आगे की मुझे गारंटी है, सबसे पहले आप पीछे की करवाओ, और उसके बाद में दबाव में मैंने पीछे की मैं भी थोड़ा साशंक था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो टेस्ट में मैं पास हो गया, घंटा पास हो गया। आगे तो चलो ठीक है कुछ नहीं है, पीछे तो काले घाट की गुफा निकली तुम्हारी। नहीं राखी देखो ऐसे मत कहो, ये सब अंदरूनी बातें होती है, इसे इस तरह से उजागर करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन तुमने इतनी बड़ी गुफा बनाई कैसे? नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ हादसे हुए मेरे साथ, कुछ पंजाबी लड़कों ने मेरे साथ बल्ले बल्ले करने की कोशिश की। बल्ले बल्ले मतलब क्या? बल्ले बल्ले मतलब वही कुछ जिसे समाज गलत समझता है, बलात्कार। हाँ और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी जारी की। देखो दुश्मनों सॉरी दोस्तों देखो, इनका मेरे पति का पहले बलात्कार हो चुका है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे इस तरह से मत देखो, क्योंकि मेरे साथ जो गलत दुर्घटना हुई है उसमें मेरी कुछ। अरे तुम ऐसा मटक मटक के लड़कों को इनविटेशन दोगे तो तुम्हारी लेंगे ही ना। राखी कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें पूरा हादसा जो है वो बताया है, मतलब उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। तुमने तुम्हारी चुच्चियों को पियर्स किया मैंने सुना। हाँ लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी चुच्चियां देखकर वो लड़के अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो वहां पर आने लगे और मुझे मेरे तन बदन के साथ खिलवाड़ करने लगे, और चंद ही घंटों में तुम खड़े होके देखने लगे। आओ खेलो मारा क्यों नहीं पत्थर उठा के तुमने? राखी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तीन हट्टे कट्टे मुस्टंडे मटन की दुकान थी, और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो लोगों ने मेरे साथ बल्ले बल्ले किया और पूरी रात भंगड़ा चलते रहा। बेबी जब ऐसे किसी के साथ बलात्कार हो यू शुड यूज पेपर स्प्रे, तुम एलए में रहते हो। लेकिन वो टाइम मेरे पास वैसे कुछ स्प्रे पेपर स्प्रे चक्कू या ऐसे ऐसे कुछ चीजें यूज किया करो ना। डेफिनेटली तुम मुझे वो चीजें देना ताकि फ्यूचर में मैं कभी भी ऐसी मतलब हरकत नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज देने वाली हूँ, आज वर्ल्ड एड्स डे है, तो जिस तरह तुम्हारी गुफा बड़ी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्डम देना चाहती हूँ, जिससे तुम हमेशा सेफ रहो। डेफिनेटली ताकि कभी भी मेरे ऊपर कुछ अत्याचार हो तो मैं कम से कम सामने वाले को गुजारिश कर सकता हूँ। पहले कॉन्डम पहन। हाँ हाँ मैं यही करना चाहूंगा, यही बोलना पहले। हाँ डेफिनेटली। और कौन सा वो कॉन्डम है जिसकी तुमने एड की थी? बी बॉय। ओके उसको हमेशा बोला बी बॉय। बट आई एम अ मैन। अरे यो ओके बी बॉय ठीक है नो प्रॉब्लम, तो पहले बी बॉय यूज करो। क्या हम शादी की बात करें हमारी? और उसके बाद तुम्हारी रेप की बात हो गई हो तो हमारी शादी की बात करें। हाँ हाँ डेफिनेटली चलो। हाँ हाँ बताइए हमारा पहले सब बताइए। मेरे जो वीडियोस थे वो देखकर राखी काफी
इम्प्रेस हो गई क्योंकि मेरे वीडियो जो है वो मर्दानगी से भरपूर थे। तो राखी ने सोचा कि कौन है ये हट्टा कट्टा मुस्टंडा जो इंटरनेट की दुनिया में दस्तक दे रहा है। फिर क्या, राखी ने मेरा वीडियो देखा, उसने तारीफ की और मैं दंग रह गया कि एक इतनी हॉट बाला मुझ जैसे न्यू कमर को इस तरह से भाव दे रही है। जानू ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। ये हेलमेट जानू एक सेकंड हाँ ये ओके ये बहुत सही। अरे नहीं जानू प्लीज ऐसे हेलमेट तो मैं सुहागरात के दिन पहनना चाहता हूँ। ये अच्छा लग रहा है जानू, प्लीज देखो वाओ। ये बीबो का हेलमेट है, बी बॉय। अब बोलिए ऑलवेज सेफ्टी गार्ड होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली, तो काश मैं ये पंजाब में यूज करता जो मेरे साथ। बट यू आर लुकिंग वेरी नाइस, ट्रस्ट मी। नाउ यू कैन कंटिन्यू। तो उसके बाद में फिर टॉपिक क्या चल रहा था? शादी का कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ। ओके, तो उसके बाद में फिर कौन है वो बंदा जो YouTube की दुनिया में दस्तक दे रहा है? और उसके बाद में राखी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाए जिनको मिलियन ट्रिलियन व्यूज मिले। और उसके बाद में वो कहते हैं ना कि हमारा प्यार जो है वो परवान चढ़ने लगा। पहले जो हमारी दोस्ती थी वो वर्चुअल डिजिटल थी, सिर्फ व्हाट्सएप पे हमारे चैटिंग चलती थी। लेकिन जब रियलिटी में मैंने राखी को मेरे मर्दानगी का एहसास लॉस एंजलिस में दिया, तब राखी को पता चला कि दीपक सिर्फ वीडियो में एक मर्द नहीं है, रियलिटी में एक हट्टा कट्टा तगड़ा तगड़ा मुस्टंडा है। और राखी मेरे प्यार में पागल हो गई। दीपक एक मर्द नहीं है, दीपक एक नामर्द है। नहीं, ऐसा नहीं बोला। मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द। कितने भी आलो कितने भी पालो दीपक सब ले सकता है, क्योंकि मुझे कोई दर्द नहीं होता है ना राखी। दर्द नहीं होता? नहीं, क्योंकि तुम मर्द हो इसलिए तुम्हें दर्द नहीं होता जानू। और यही मेरी अदाए जो है वो राखी को लुभा गई जी। और उसके बाद में फिर हमने शादी का डिसीजन लिया। हाउ यू प्रपोज मी, जस्ट टेल देम हाउ यू प्रपोज मी। मैंने राखी को सबसे पहले एक बनाना दिया। और क्योंकि लोग जो है वो गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन मैंने राखी को जो है वो बनाना दिया। और राखी वो बनाना देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि जिस कंडोम की वो ब्रांड एम्बेसडर है उसका फ्लेवर भी बनाना है। और मुझे जिंदगी में दो चीजें बहुत पसंद। मेरे कंडोम का फ्लेवर बनाना है, ऊद है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, जितने भी भोपला है, हर टाइप के जो कद्दू भी है, कद्दू भी है, दूधी भी है। ओके, दूधी, वाओ। मतलब मत करो लौकी, हम लोग यहाँ मराठी लोग लौकी को दूधी कहते हैं। ओके, मुझे थोड़ा अनईजी लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा रख दो, तुम्हारा ढक्कन ठीक है। हाँ जी, हाँ। और उसके बाद में फिर राखी ने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा कि मैं बनाना बॉय हूँ। और उसके बाद में मेरे जो वीडियोस है बनाना वाले उसको मिलियन मिलियन में व्यूज मिले हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप हमेशा ये बनाना लेके क्यों घूमते हो? क्योंकि बनाना को आप छुपा के क्यों नहीं रखते हो, हाथ में लेके क्यों घूमते हो? क्योंकि मुझे लाइफ में दो चीजें बहुत पसंद है, गोवा के बाटे बनाना और लोगों को उल्लू बनाना। तो तुम ये उल्लू बना रहे हो, मुझसे शादी नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। डेफिनेटली मींस यू आर नॉट हियर टू मैरी मी। हां नहीं नहीं राखी, डेफिनेटली मैं तुमसे शादा करने वाला हूँ। शादा? हाँ, मैं शादी को शादा कहता हूँ। ये रहा शादा। अब ये रहा शादा, वो रहा आधा। तो आपको ऊपर से नीचे तक आदाब आदाब आदाब, नीचे से ही आदाब करोगे जी। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ कि पूरी दुनिया के सामने हम हमारे शादी का ऐलान करने जा रहे हैं। और आप जानकर भौचक्का रह जाओगे, हक्का बक्का रह जाओगे, झुंझला जाओगे, बौखला जाओगे, क्योंकि ये शादी टोटली न्यूड होने वाली है। और ये डिसीजन हमने लिया है ग्लोबल वार्मिंग के तहत। न्यूड? डेफिनेटली। और राखी तुमने इस बात को मानना होगा, क्योंकि दिन ब दिन गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे शारीरिक तापमान में बढ़ोतरी होती है, और इस तरह से वातावरण में बढ़ोतरी होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जानू, लेकिन मैं न्यूड हो जाऊंगी तो सब अमेरिका वाले सब मेरे देख लेंगे खजाने को। वैसे मुझे तो लगता है लगभग सब नहीं देखा है अभी तक, मतलब फिल्मों में। और उसके बाद में बाकी की जो तुमने डांसिंग नंबर्स किए, शक कर रहे हो? नहीं नहीं, मतलब ये पूरी तरह से न्यूड नहीं होगा, ये एक इको फ्रेंडली शादी होगी। फ्रेंडली गणपति बापा होते हैं, शादी कैसे होगी? नहीं नहीं, जिसमें राखी जो है वो केले के छींटे जो है वो अपने बदन पे कुछ पुर्जों को लगाएगी, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित। और बकरियां आ गई, फिर मैं क्या करूंगी? अगर कोई जानवर आके वो केले के छिलकों को खा गया फिर क्या होगा मेरा? हमारी शादी एले में होने वाली है, वहां पे बकरियां नहीं मेरे जैसे बकरे होते हैं। ओह,
अच्छा एलए में बकरी नहीं होती? होती है बट वो उतनी मैं नहीं करती है डार्लिंग, तुम कुछ ज्यादा ही मैं कर रही हो। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमें जो है वो बहुत सारी चीजें करनी है। राखी के साथ मैंने ढेर सारे डिस्कशंस किए और आपको जान के हैरानी होगी कि हम एक डॉल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। डॉल जो सिलिकॉन जैसे तैमूर तैमूर है वैसा? डेफिनेटली। और वो डॉल का नाम होगा राखी सावंत। क्योंकि दुनिया में ये जो बलात्कार बढ़ रहे हैं तो राखी सावंत डॉल जो होगी वो एक सॉफ्ट सिलिकॉन डॉल होगी, तो जो यंग लड़के जो है वो हॉनी है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको ऑर्गेज्म मिलने के बाद पूरे समाज में कभी ये गलत काम नहीं होगा और उसके लिए हमारी राखी का बलिदान होगा। लेकिन ये ये पतिये पतिला है राखी, ये एक ये मेरा बलात्कार करवाएगा? नहीं नहीं, अरे मतलब वो एक वर्चुअल चीज होगी, तुम समझने की कोशिश करो, ये एक वर्चुअल होगा और इसमें समाज में जो बुरे गंदे काम हो रहे उसके ऊपर रोक लगेगी। हे प्रभु, मैं पति ढूंढ रही थी, ये क्या भेज दिया? अरे मतलब तुम मेरी डॉल बनाओगे और पूरे समाज से सार्वजनिक ये करवाओगे? अरे इसका मतलब ये है कि वो जो लोग हैं वो गलत काम नहीं करेंगे। कौन? मतलब ये जो ठरकी लोग होते हैं ना, जो रात को घूमते हैं राक्षस बन के ताकि लोगों के तन बदन को तहस नहस कर सके, तो जब वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो फिर दूसरों को क्यों छेड़ेंगे भला। और इसीलिए राखी सावंत का मैंने चयन किया है क्योंकि वो रातों रात हाथों हाथ वो डॉल्स बिक जाएगी। और मुझे पता है कि ये जो बलिदान राखी करने जा रही है तो वो एक समाज सेवा होगी, क्योंकि अगर हम कुछ अरे अपने को बिकवा के क्या मैं समाज सेवा करूंगी? ये कौन सी समाज सेवा है बाबू? मतलब बाबू तो मुझे अपने आप बीवी को बिकवाओगे, रेप करोगे? अरे ये क्या है भगवान? राखी देखो तुम मान जाओ, ऐसे मत करो, क्योंकि इसमें वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो ऐसे गलत कारनामे नहीं करेंगे। अरे तुम इधर शादी की तुम्हारी बात करने आए हो कि मेरा क्या, मुझे बेचने आए हो? अरे अगर समझो नहीं भी, मैंने बचपन में एक तकिया रखा था जिसको मैं राखी सावंत समझता था तो उसमें गलत क्या है? राखी बचपन में नहीं 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 वैसे कुछ नहीं है, मतलब अभी भी मैं उतना ही यंग हूँ, जबकि मेरी उम्र जो है वो 24 years and 300 months है, लेकिन अभी भी मैं उतना ही जवान हूँ। और राखी को उसका एहसास And I'm just born. I'm just born. Yeah. हाँ, तो हमारी वेडिंग कैसे होगी? तो आप ये कहना चाहते हैं कि राखी सावंत नाम के एक आप डॉल बनाएंगे और उस डॉल का नाम राखी सावंत रखेंगे? या और उसके बाद में वो जो मतलब अभी तक पूरे जैसे तैमूर के डॉल बनी है वैसे मेरी भी बनेगी। हाँ डेफिनेटली, और उसमें गलत क्या है? क्योंकि देखो नहीं बट गलत ये है कि ये गंदे काम करेंगे वो डॉल के साथ। हाँ तो डॉल के साथ, तुम्हारे साथ नहीं ना डार्लिंग, वो तो सिर्फ तुम मेरे साथ करोगी। और वैसे दुनिया मुझे लग रहा है कि अपने तकियों को राखी सावंत बना रही है, दुनिया जो है पता नहीं कौन सी चीजें, सब कोई बलून को राखी सावंत का चेहरा देकर बलून के साथ खेल रहा है। तो अगर हम ऑफिशियल एक डॉल लॉन्च करते हैं, ये तो कैसे प्रोडक्ट की बाबा, तुम आपने तो मुझे बीवी नहीं प्रोडक्ट बना दिया। नहीं, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है। आज आप सरप्राइज देने वाली थी, क्या कौन सा सरप्राइज है? सरप्राइज तो अभी मुझे मिल गया है। सरप्राइज तो मुझे मिल गया है अभी। नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत मत समझना क्योंकि मेरे इंटेंशन नहीं नहीं मैं समझ नहीं रही हूँ, तुम गलत हो, माफी मांगी। मेरे इंटेंशन जो है वो बहुत पाक है, वो नापाक नहीं। तुम्हारे इंटेंशन काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरे जो इंटेंशन जो है वो आज लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हजार साल बाद लोग कहेंगे कि मैं सही था। हजार साल बाद? हाँ, क्योंकि लोगों को मेरी जो सोच है हाँ। वो हजार साल आगे है, हजार साल आगे है मेरी जो सोच है वो। तभी आप न्यूड शादी कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा खर्चा बचाया जा सकता है। ईव और एडम के टाइम पे तो कपड़े हुआ नहीं करते थे। यू आर राइट, एक्चुअली जो पैसे बचेंगे उसमें हम गरीब लोगों को आईफोन गिफ्ट दे सकते हैं जो आज ओप्पो वीवो यूज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। Oh my God, I can't believe. Come on, राखी, तुम्हें ये माननी पड़ेगी मेरी बात, ऐसे मत करो, please. तुम दीपक कलाल से शादा करने जा रही हो और मेरे विचार हमेशा यूनिक और अनकन्वेंशनल रहे हैं। मैंने तुम्हें इतने सपने देखे थे कि मेरी मेहंदी होगी, मेरी हल्दी होगी, मेरा लहंगा सिलेगा, मेरे जेवर आएंगे, सब्यसाची जो है वो मेरे लिए, सब्यसाची आजकल सबको दे रहे कपड़े, उनके मॉडलों का निकाल निकाल के सबको पहना रहे।
मैं सोच रही हूं मुझे भी मिलेगा। इसने जो बजट रखा था वो 1 करोड़ 20 लाख था अपने कपड़ों को लेकर, लेकिन अगर हम न्यूड शादी करते हैं तो वो 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स नहीं, मैं अमेरिका में रहता हूँ इसीलिए गलती से बोला, इंडियन रुपीज हम गरीबों के लिए यूज कर सकते। ये बताओ हमारी शादी हो रही है नहीं हो रही है? डेफिनेटली हमारी शादी हो रही है। उसके बाद में फिर उसी रात हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक हर एक जगह पे लाइव सुहागरा, क्योंकि देखो लोग जो है वो सेक्स को गलत मानते हैं। इंडिया में सब लोग सेक्स करते हैं लेकिन वो सही ढंग से नहीं करते हैं। मैंने 9 महीने का कोर्स किया है न्यूयॉर्क से। सेक्स का? हाँ, सेक्स का कोर्स भी होता है, मतलब इंटरकोर्स किया है सेक्स का, मतलब कोर्स किया है मैंने। वो तो इंटरकोर्स ही होता है ना, बट सेक्स का कोर्स भी होता है। कहाँ होता है? क्योंकि इसको जो है वो सिखाया जाता है कि किस, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को जरूरत है ताकि उनके डाइवोर्स ना हो। नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेक्स जो परिभाषा होती है वो बहुत पवित्र परिभाषा होती है। आप खजुराहों की मूर्तियां देख लो, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि कुंडी लगाओ और कुछ भी करो, उसमें आप तरह तरह की चीजें यूज कर सकते, मतलब हैं। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे वो प्रैक्टिकल अभी करना चाहिए डार्लिंग, जो हम हनीमून के बात करने वाले थे, बट नो प्रॉब्लम, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप। हनीमून के बाद तो हमारी शादी के बाद हम एक ही चीज करेंगे, चल सुनी चंपा सुन तारा कोई जीता। बट ये तो चक्के करते हैं, तो तुम हो ना। नहीं नहीं, ये ऐसे ही मजाक में कह रही हैं। मेरे मर्दानगी के जो किस्से जो है वो हमने दोहराए हैं और मुझे लगता है वो राखी ने बखूबी एंजॉय भी किए हैं। लेकिन आप तो विराट कोहली के बच्चे के बाप बन चुके। मेरे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं लड़कियों की एक्टिंग करता हूँ। Really? But real life में मैं खट्टा खट्टा चट्टा मार दूं डार्लिंग, तो सबको मैं दर्द दे सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो को देखकर मेरी पर्सनालिटी को जज ना करें, ओके? तो रही बात हमारा टॉपिक क्या था डार्लिंग, मुझे थोड़ी भूलने की आदत है, थोड़ी पीन लगा दो। आप लाइव सुहागरात मना रहे थे इंस्टा और फेसबुक पे, तो आप राखी ने दिखाया मंगलसूत्र पहनाने वाले हैं। वो हम एंड में पहनाएंगे क्योंकि वो क्लाइमैक्स है। देखिए जब मैं अमेरिका में थी तब मुझे इन्होंने प्रपोज किया था, एम आई राइट? डेफिनेटली। हाँ, तो मुझे कहा था आई एम इन लव विथ यू राखी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, विल यू मैरी मी? तो मैंने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो होता है ना? डेफिनेटली होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें, तो मैंने कहा कि टेस्ट ड्राइव तो चाहिए, फिर बाद में बार बार शादी इंसान करता नहीं है, बार बार तलाक नहीं ले सकते, तो मैंने इनका टेस्ट ड्राइव करते हैं, और मैंने जो है वो 150 के स्पीड में गड्डी दौड़ाई है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। लेकिन मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। कम ऑन राखी, भूल गई, आई टोल्ड यू टू डू विद मी टेस्ट ड्राइव एंड यू वेंट समवेयर एल्स, हाउ डेयर यू? वो मेरी, यू एंड नॉट विद अ फीमेल, यू वेंट विद अ मेल्स। ऐसे कुछ भी नहीं है। Oh my God, तुम ये सब क्या कह रही हो राखी? तुम समझने की कोशिश करो, तुमने जो मेरे बारे में गलत सोचा था तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने तुम्हें कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं है, और उसके बाद में फिर मैंने जो है राखी को उस रात सहलाया, बलखाया, फुसलाया, और उसके बाद में पूरी तरह से काम हो गया। राखी देखो, तुम ऐसे मत कहो, तुम्हें दुनिया को ये बताना है जो हमने किया है, तुम्हें जो है वो दुनिया को बताना है, नहीं तो ये सब लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे जीते जी अभी हुए नहीं है, अभी हुए नहीं है आप पति। हाँ। मेरे, और मैं पवित्र हूँ, मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं आपसे शादी इसलिए कर रही हूँ कि मैं जिंदगी भर पवित्र रहना चाहती हूँ। क्यों ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, मैं वो पुजारी हूँ जो तुम्हारे मंदिर में घंटियां बजाना चाहता हूँ। आप ना घंटी बजा सकते ना घंटा। राखी कमॉन, ऐसे मत कहो तुम, मैंने तुम्हें मेरे मर्दानगी का एहसास दिलाया। मुझे बात समझ में नहीं आता, कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद ये नाजायज संबंध होना जरूरी है, आई मीन सेक्स वर्क्स के, किस कौन सी किताब में लिखा है? हम शादी के बाद पवित्र रहेंगे, आप मेरे भाई बन के रहोगे। राखी तुम क्या कह रही हो, अभी हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और इसमें तुमने इजहार किया है। इसके बाद
नहीं नहीं होगा, अभी सेकंड इनिंग बाकी है ना, ये इनकी एक बार निकल चुकी, ये बंद नहीं होंगे। हाँ जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। जी तो देखिए 31st को क्या, अभी तो 31st देखिए मैं शादी कर रही हूँ, हम लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं तो पवित्र ही रहने वाली हूँ और मैं तो ऐसी कभी कोई चीज नहीं करती। राखी मेरे पास ऐसे ऐसे परफ्यूम है कि जिसे सुनने के बाद हिरनी जो है ना वो भी बौखला जाती है और हिरन के लिए बहुत घूमते रहती है। तो अगर वो परफ्यूम जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहा हूं, लेकिन वो हिरन के लिए ना, तुम तो सांड हो जानू। तुम तो सांड हो। तो डेफिनेटली है कि वो परफ्यूम सुनने के बाद और उसके बाद में फिर मेरे कुछ मैनली डांसिंग अदाएं देखने के बाद, हाँ तुम्हारा तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, वो डेफिनेटली मेरी बाहों में आ जाए। देखिए आज मैं आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ। लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। जी हाँ ये आप ही के लिए है, आपकी इज्जत का ढक्कन। राखी जी सामने जी। लेकिन राखी ये तो मुझे तुम्हें पहनाना है। नहीं मंगलसूत्र हाथ में ले लो। नहीं ये रूल बदल चुका है। राखी ऐसे मत करो, देखो ये मंगलसूत्र मुझे तुम्हें पहनाना था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम तो शादी के पूरे सूत्र बदल रही हो। हाँ हाथ में पकड़ो, दिख रहा नहीं। बापरे ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई लड़की लड़के को मंगलसूत्र पहना रही है। पागल, कोई लड़की लड़की को मंगलसूत्र पहना रही है। ओ माय गॉड, ये मंगलसूत्र है या दंगल सूत्र है? ये दोनों, ये दंगल ही है। ओ माय गॉड, इसने तो मेरे जिंदगी में कहर डाल दिया। आज से आप मेरी हो गई है। लेकिन कहीं ये पहन के मैं मुसाफिर का संजय तक तो नहीं लग रहा हूँ। चलो एक गाना गाओ शादी का, बढ़िया। कौन सा वाला? कोई भी। चढ़ गई गाली तेरी ना सुने रिकॉर्ड। क्या हुआ? सॉरी ये गाना शादी में नहीं। ओए है जी इतना गंदा गाना आपने, मैं तो सोची सचमुच कोई गाना। गॉड, ये एक्चुअली शादी में जो लोग आते हैं शुभेच्छाएं देने के लिए तो वो गाना गाते हैं। तो शादी का कौन सा गाना? अच्छा आपने कहा ना कि जो भी हमारी शादी में आए वो कोई गिफ्ट ना लाए। अच्छा दूसरी बात, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी ये जो शादी जो है तो इसका बजट हमने 70 करोड़ रखा हुआ है। तो जितने भी बाराती वहाँ पे आएंगे उनको हम आईफोन 12 प्लस गिफ्ट करने वाले हैं। तो देखिए लोगों की शादियाँ जो है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादियाँ 5-6 दिन होती है, लेकिन हमारी जो रस्म है शादी है वो 20-25 दिन चलेगी। तो हनीमून कब करेंगे फिर? देखो राखी ये जो तुम है, लेकिन सुनो 4-5 बार हल्दी लगेगी, 4-5 बार मेहंदी लगेगी। तो वैसलिन कब लगेगा? तुम्हें वैसलिन की ज्यादा जरूरत है, अभी तो फटी पड़ी है, इसको सिलने तो दो पहले। अरे तुम पीली होने से अच्छा ढीली हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है यार। ऐसे मत करो राखी, इतने लंबी लंबी तुम रस्में कस्में करोगी तो फिर मतलब वो बाकी के काम कब होंगे? हमें कांड भी तो करने हैं ना, जब यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। अरे जानू तुम कांड करने के लायक नहीं हो, थोड़ा समझो। राखी तुम्हें मेरे बारे में धारणाएं गलत है और ये गलत धारणाएं गर्भधारण होने के बाद विश्वास चलेगा इसको। तुम कांड नहीं कर सकते। जब गर्भधारणाएं होगी ना तो मेरे बारे में जो धारणाएं है वो गलत है, तब इसको पता चलेगा। कौन सी धारणा? गर्भधारणा। ये क्या होता है? मतलब प्रेग्नेंट होगी तुम, राखी समझने की कोशिश करो। अभी तो तुम विराट के बच्चे की माँ बनने वाली थी। राखी मैंने वीडियो में वैसे कहा, लेकिन रियलिटी में हमारे 20 बच्चे होंगे। किसके? हमारे? डेफिनेटली हम पूरी एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं। यू मीन सरोगेट? मतलब तुम शादी मुझसे करा, तुम्हारे सारे लोग? कोई सरोगेट नहीं, कोई कुछ नहीं राखी, वो सब हम दोनों मिलकर निर्माण करेंगे, तुम समझने की कोशिश करो। तुम सार्वजनिक हो, मैं सार्वजनिक नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ। मतलब ये सब मेरे साथ करने के बाद होंगे वो 20 बच्चे? अच्छा तुम पैदा करोगे तुम्हारे साथ करने से? तो तुम्हें अभी तक विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्या राखी मैं एक मर्द हूँ और मैं तुम्हें बहुत बड़ा दर्द देने वाला हूँ।
अच्छा डेफिनेटली देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राखी जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद उतनी समझ नहीं पा रही है, जबकि मैंने उसको कामशास्त्र के पाठ भी पढ़ाए हैं, लेकिन शायद मेरे कामशास्त्र मैं नादान हूँ, मुझे डेटिंग बहुत सारी चीजें हर जगह जाते हैं मुझे पूछते हैं, मुझे मालूम है आप जानते मेरा सर्टिफिकेट आपके पास है वर्जिनिटी का, आई डोंट नो व्हाट इज मनी गॉट। लॉस एंजेलिस में आई थी और जब मैंने तुम्हें वो चॉकलेट पैंटी पहनाई थी और जब मैंने तुम्हें वो कैसी पिघलती है और किस तरह से वो चॉकलेट को चाट कर सामने वाले को उत्तेजित किया जाता है वो सब मैंने तुम्हें बताया तो वो तुम्हारे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। चॉकलेट कब चाटी आपने? राखी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये पल्लू तुम हटा दो, जब तुम ये पल्लू हटाओगी तो सब तुम्हारे पल्ले पल्ले पड़ेगा। भारतीय नारी की साड़ी पे हाथ नहीं लगाना। क्वेश्चंस आंसर शबनम शेख के थ्रू उन्होंने आप पे और सारा खान पे कोर्ट में केस दायर किया, मुझे नहीं बुरके बुरके कमेंट पे उन्होंने आपके ऊपर केस किया, आपको ललकारा भी है और आपको ललकारा भी है। पब्लिसिटी स्टंट है वो, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, हमने तो सारा खान ने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा सारा खान ने यही इतना ही कहा था कि जहां आदमियों को देखना चाहिए वो एक मुस्लिम लड़की है, जहां आदमियों को देखना चाहिए वहां नहीं देखना चाहिए, तो सिर्फ औरत ही बुरके क्यों पहने आदमी भी पहने, उसने सारा खान ने उतना ही कहा था और मुझे नहीं लगता इस बात पर कोई केस होना चाहिए। दिस इज ऑल पब्लिसिटी स्टंट पीपल आर डूइंग, जिसको जितना केस करना है करे, इस पर बात में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि हमारी राखी बहुत फेमस है और अगर राखी का नाम जुड़ जाता है तो फिर मिलियन में व्यूज आते हैं और इसीलिए लोग राखी से शायद हमारे करण कोई उनको पहचान ले इसीलिए ये कर रही। मुझे भी ऐसे ही लग रहा राखी जी, आपका जो कार्ड और वो सब आ रहा था उससे बोल रहे थे कि जो है पब्लिसिटी स्टंट है ये शादी, क्या कहेंगे इस बारे में कुछ? कार्ड तो इन्होंने छपा, इनको पूछो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? ओ माय गॉड, कल जाके अगर हम लोग लाइव सुहागरात भी करेंगे और बच्चे भी पैदा हो जाएंगे ना तो लोग कहेंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। वाह 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 वाह, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शादी करे तो वो शादी और मैं शादी करूँ तो वो बर्बादी। देखो देखो बस अब हो गई शादी और दे दो हमको गाड़ी और कुछ नहीं। हम कहाँ शादी कर रहे हैं? हम लोग लॉस एंजलिस में मलिबू बीच में, मेरे घर पे मेरा विला है वहाँ पे मलिबू बीच। मलिबू या मलिबू बीच पे, और हमारी शादी में शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, करीना, तैमूर और जॉन सीन और मियां खलीफा खलीफा भी आ रहे हैं। ये कौन है? तुम्हें नहीं पता ना? तुम उनकी फिल्में नहीं देखती हो? कौन सी फिल्म है? फिर शादी के बाद पता चलेगा। पहले बताओ तो कौन है दीपक ही तुम्हारा जॉन सीन है? कौन है कौन है कौन है? बोलो। वो बहुत बड़े पॉर्न स्टार है। पॉर्न स्टार हमारी शादी में क्या करेंगे आकर? तो मतलब मैं तो मेरे फ्रेंड सनी लियोनी भी आ रही है? नहीं सनी लियोनी नहीं आ रही है। क्यों? वैसे मैं भी एक पॉर्न स्टार हूं डार्लिंग। मतलब अभी हमारी शादी हो रही है तो तुम्हारे साथ जो करूंगा तो मैं भी तो पॉर्न स्टार ही बन जाऊंगा ना। लेकिन मैं पॉर्न स्टार नहीं हूँ। आप तो मैं स्टार हूँ। अच्छा ओके। ये पॉर्न स्टार क्या होता है बाय द वे? तुम्हें नहीं पता? नहीं। हमारी राखी बहुत दूध की धुली है, इसे लस्सी से मत धोना। हमारे राखी को लस्सी से मत धोना क्योंकि वो दूध की धुली है। मुझे एक बात समझ में आ रही है, हमारी शादी में सब पॉर्न स्टार आएंगे? नहीं। अरे देखिए अमित जी ने, अमिताभ बच्चन जी ने, जितने भी सेलिब्रिटीज है, शिल्पा शेट्टी, गणेश आचार्य, नाना पाटेकर जी, तनुश्री दत्ता, तनुश्री दत्ता, सबने बोला है, शाहरुख, सलमान, आमिर, जितने भी है, सैफ अली, नाना पाटेकर, सबने बोला है कि वो हमारी शादी में आएंगे और कंफर्मेशन आ चुका है। शाहिद कपूर, पवन सिंह भी आ रहे हैं, पवन सिंह, फिर खेसारी लाल, पवन सिंह और मैकडॉनल्ड ट्रंप, मैकडॉनल्ड ट्रंप, ये मेरे बाल और ये निरहुआ। और आज आप देख रहे हैं कि आज जो मैंने साड़ी पहनी है ये मुझे मैकडॉनल्ड ट्रंप जी ने गिफ्ट करी है।
जब लास्ट टाइम मैंने अपनी ड्रेस पे मोदी जी की फोटो लगाई थी तो सबको बहुत तकलीफ हो गई, तो उन्होंने मुझे मैकडोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है मुझे, ये कौन है? अरे पति हूँ मैं तो, मुझे तो अभी अभी पति नहीं हूँ, अभी शादी को बाकी है, उससे पहले हाथ मत साफ करो। अरे मतलब नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना, मैं पवित्र हूँ। बूटी को किस कर रहा हूँ? कौन सी बूटी? जड़ी मतलब बूटी, तुम्हारी प्यारी सी बूटी यार। अपना बूटा उधर रखो, तुम्हारा कौन सी जड़ी बूटी खाई है जो इतनी? सुनो तो देखिए मुझे मैकडोनाल्ड ट्रंप जी ने ये साड़ी गिफ्ट करी है, उन्होंने कहा राखी इंडिया में कोई तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो अब जब कभी भी तुम कहीं पे भी जाओ शादी करो तो सबसे पहले आज सुबह ही मुझे ये जो है अमेरिकन फ्लैग की साड़ी जो है गिफ्ट आई है, और आज थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं मैकडोनाल्ड ट्रंप जी को कि आपने मुझे ये जो साड़ी भेजी और मैंने ये पहनी है। मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे चार्टर्ड प्लेन दिया है चार के सारे सेलिब्रिटीज आ सके, और एक मिनट ये मैं खड़ियों की बात क्यों कर रही हूँ, और चार्टर्ड प्लेन दिए हैं मैकडोनाल्ड ट्रंप जी ने, और कहा है कि सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो इसी प्लेन में आएंगे, सबके वीज़ा हो गए हैं और सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी शादी की। डेफिनेटली मैं तो बिल्कुल प्यार में खो गया था, क्योंकि पता नहीं जब राखी साथ में होती है ना तो बंदा जो है वो पूरी तरह से बह जाता है उसकी खूबसूरत अदाओं से, उसके लटकों से, झटकों से। ज्यादा मत बहो, वो सब पानी भर लेंगे। तो थैंक यू, और मैं विश करती हूँ कि सारी मीडिया हमारी शादी में आएंगी, जितनी भी मीडिया है सबको दो दो IX फोन, सबके वीजा हो चुके हैं, सबके पासपोर्ट के डिटेल्स पहुंच चुके हैं, सबकी टिकट होगी जी, हो गई है, सुहागरात लाइव होगी और उसमें सबको आना है, लाइव सुहागरात हमारी होगी उसमें सबको आना है। और राखी प्लीज तुम इसके लिए हामी भरो, क्योंकि तुम बहुत शर्मीली हो और तुम इस बात के लिए मना कर रही हो जो बहुत गलत है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारी लाइव सुहागरात होगी। जी रिसेप्शन में जाने वाले? हाँ मैं अभी आज जा रही हूँ, रणवीर और दीपिका के रिसेप्शन में मैं जा रही हूँ, इसलिए स्पेशल मैंने यही साड़ी पहन रखी है। अभी ये चेंज करो, दूसरी मीडिया आ रही है ना। अभी सुनो, अभी ये बात नहीं करते। चाही कुछ चावन ना बोलिया बिगर रावन ना चाल या नचरे चा गोतन खाजवा की तुम्ही खाजवा की सर्रा खाजवा की नुगली शोधा या डोपन खाजवा की।